हम बात करेंगे भारत में जो वैक्सीन तैयार किए गए उसके साथ साथ जो बाहर से वैक्सीन मंगवाने की कोशिश की जा रही है उसमें बड़ी पहल जो है वो रशिया से जो वैक्सीन तैयार किया गया वो भारत आ चुका है और अब भारत के अंदर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो कब होगी और किस तरीके से ये भारत के अंदर अब दस्तियाब रहेगा, इसकी कीमत क्या रहेगी, आसिफ आपको ये तफसीलन बताएंगे कि इस वैक्सीन के हवाले से जो भारतीय कंपनियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। और बड़ी बात यह है कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत इस वक्त पहुंच चुकी है, पहले डोज का इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन आगे क्या कुछ जून और जुलाई तक होने वाला है। बड़ी खबर ये कि स्पुतनिक वी वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज की जो लेबोरेटरी हैदराबाद के अंदर है वहां पर तैयारी की जा रही है और रूस के इदारे के साथ मिलकर रेगुलेटरी अथॉरिटी के सिग्नेचर के बाद, उसकी मोहर के बाद मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। मौजूदा वक्त में डॉक्टर रेड्डीज की लैब ये बताती है कि जो सिंगल डोज है स्पुतनिक वी का, हालांकि वो तो कल इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन लैब किस तरीके से शराकतदारी करके इस वक्त RDIF के साथ मिलकर काम कर रहा और रूस से यहां जो वैक्सीन लाई जा रही है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के तहत इस वैक्सीन को हैदराबाद लाया जा रहा और डॉक्टर रेड्डीज की लैब की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, कल हैदराबाद के अंदर पहला कोविड जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी का वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन बड़ी बात ये कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस वैक्सीन को हिंदुस्तान के अंदर तैयार किया जाएगा और ये वैक्सीन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलेगी, सभी जगहों पर इसका अप्रूवल नहीं हो सकता, लेकिन इंतजार इस बात का भी कि स्पुतनिक वी, क्योंकि सापरा जो कि इस वक्त सारी चीजें देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के, इस वक्त एक अहम जिम्मेदार हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि मौजूदा वक्त में जब हैदराबाद के अंदर जो ये फार्मा का इस वक्त जॉब चल रहा है, काम चल रहा है, वहां पर पहला स्पुतनिक वी वैक्सीन का डोज अगर दिया जाता है, खुराक दी जाती है, तो दूसरे और पहले के बीच में गैप कितना होना चाहिए और क्या गाइडलाइंस इसके लिए रहेंगी, ये तब तैयार होंगी जब मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और स्पुतनिक भी हिंदुस्तान के अंदर तैयार होगी, ये अब तक की सूरत हाल है। दूसरी बात, सापरा की तरफ से ये कहा गई है कि इस वक्त दो डोजेस के बजाय पहला डोज जो है वो 80% के आसपास, सबसे अच्छी चीज जो है जो मुस्बत अभी तक पेशरफ्त हुई है वो ये कि 80% तक तकरीबन वायरस को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। यूके के अंदर इसके ट्रायल कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए, भारत के अंदर इसके वैक्सीन जो ट्रायल्स हैं वो मुकम्मल करने के बाद जब पहला डोज दिया गया तो जून जुलाई तक 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोज ये खुराकें तैयार करने की एक नया प्लान तरतीब दिया गया है और इसमें बड़ी बात यह है कि स्पुतनिक वी जब तैयार हो जाएगी तो चंद गिने चुने अस्पतालों को यह फराहम की जाएगी और इस पर भी जब रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो इस वक्त वैक्सीन लाई जा रही है उसकी तरफ से मोहर लगेगी तो ही मुल्क के कुछ अस्पतालों के अंदर इसको देने की तैयारी। लेकिन बड़ी बात यह कि जो बाकी दो कंपनियों पर, मैन्युफैक्चरर्स पर जो दबाव था कि वैक्सीन मुख्तलिफ रियासतों को 50% दीजिए, 100% दीजिए, वो दबाव थोड़ा सा कम उस वक्त होगा जब मुल्क के अंदर शायद स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार होना शुरू होगी।